रिपोर्टर को किसी ने अपील में चैलेंज किया था। नहीं, अपील में चैलेंज यार डर डर के तो बता रहे हो, इसका मतलब आप ऐसा लगता है झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, हमको उसकी जानकारी नहीं है कि अपील में ये तो चैलेंज। किसको जानकारी होगी, किसको होना चाहिए जानकारी, पीछे वाले जो बैठे हैं इनको जानकारी होगी। आप वकील हो इस केस में, आपको जानकारी नहीं है कुछ। सर मैं अच्छा क्यों, और कौन सा आवेदन आपका खारिज हुआ है, ये एक्सटेंशन का जो आवेदन हर 6 महीने में लगता है एक वो पेज नंबर बताओगे कुछ, पेज नंबर थर्टी मुझे बताओ कि फोर्टी किस थ्री ऑर्डर के खिलाफ आए हो। 43। थर्टी फोर, इम्प्यून्ड ऑर्डर डेटेड 10/3/2021 योर लॉर्डशिप, द एक्सटेंशन एप्लीकेशन ऑफ द टेम्पररी इंजंक्शन हैज बीन डिसमिस्ड योर लॉर्डशिप। दावे का क्या हुआ, लॉर्डशिप सूट इज गोइंग ऑन योर लॉर्डशिप एट प्रेजेंट माइक गोइंग पे बोलो या जोर से बोलो या नीचे कर लो, एडजस्ट कर सकते हैं ना ऐसे। आपने कभी देखा नहीं है स्टेज पे लोगों को जी माइक के सामने खड़े होते हैं तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। आप लोग तो और ज्यादा उनसे पढ़े ले, ये माइक की आपको सुविधा दी गई है, इसका लाभ क्यों नहीं उठाते। किस सूट इज गोइंग स्टेज पे है दावा, ऑन सर। ये अभी कहाँ पे हुआ था, क्या स्टे हुआ था। ये लॉर्डशिप इंटरिम इंजंक्शन जो हमको मिला था पेज नंबर 25 से स्टार्ट है, फाइंडिंग जो है वो पेज नंबर 27। ये पेज नंबर 25 पे आपको स्टे मिला था। अरे 27 योर लॉर्डशिप जो फाइंडिंग है। फाइंडिंग कुछ भी होगी, आप राम भी गुप्ता है ना, जी आराम। जी तो ये ऑर्डर है 9/8/16 का, ये आपके पक्ष में हुआ था हाँ और ये हुआ था प्रतिवादीगण 1 वर्ष तक वादी को बिहारी चौक स्थित रस्ते मकान से दुकान से स्वयं अथवा किसी मुद्दे दखल नहीं करेंगे। ये इस ऑर्डर का क्या हुआ, इसको चैलेंज किया था किसी ने। नो, ये चैलेंज नहीं हुआ। फिर लॉर्डशिप हमारा ये जो स्टे का एक्सटेंशन के लिए 6 महीने में जो आवेदन फिर फाइल होता है। अरे इस ऑर्डर को किसी ने अपील में चैलेंज किया था। नहीं, अपील में चैलेंज यार डर डर के तो बता रहे हो, इसका मतलब आप ऐसा लगता है झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, हमको उसकी जानकारी नहीं है कि अपील में ये तो चैलेंज। किसको जानकारी होगी, किसको होना चाहिए जानकारी, पीछे वाले जो बैठे हैं इनको जानकारी होगी। आप वकील हो इस केस में, आपको जानकारी नहीं है कुछ। सर मैं अच्छा क्यों, और कौन सा आवेदन आपका खारिज हुआ है, ये एक्सटेंशन का जो आवेदन हर 6 महीने में लगता है एक पेज वो नंबर बताओगे कुछ, पेज नंबर थर्टी मुझे बताओ कि फोर्टी किस थ्री ऑर्डर के खिलाफ आए हो। थर्टी फोर्टी थ्री पेज नंबर योर लॉर्डशिप, किस पेज पर कौन सा ऑर्डर हुआ है जो आपके ये खिलाफ पेज हुआ है। नंबर 35 पे है। और ये 36 पे जो है वो आखिरी में, प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रकरण दिनांक 14 जनवरी 2017 को वादी साक्ष्य हेतु नियत किया गया था, जिसके पश्चात वादी की ओर से साक्षी प्रस्तुत नहीं किए। दिनांक 20/9/2019 को पुनः अस्थायी विधिवश 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा विलंब की दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया गया था कि वादी आगामी दिनांक को अवश्य रूप में अपने साक्ष्य पेश करे। इसके पश्चात वादी द्वारा दिनांक 6/12/2019 एवं 13 जनवरी 2020 को साक्ष्य पेश नहीं किए गए। ये लॉर्डशिप इस समय जो कोविड का समय चला था उसके आदेश नियम छह नियम 19/9/20 तक के लिए था, 19/9/20 उसके तक पश्चात यह आवेदन 27/1 को पेश किया गया। पेश किया गया, जहां तक कोरोना काल की समय की परिस्थिति को ध्यान रखा जाए उस समय भी अर्जेंट प्रकृति के आवेदनों की सुनवाई अब की दावे गई। में क्या हुआ, वादी की साक्ष्य का क्या हुआ, ये आपकी वादी की साक्ष्य चल रही थी 2019 में 17 में, लॉर्डशिप क्या हुआ। मैं करेंट की नेक्स्ट वीक रख दें सर, मैं करेंट अभी की फोन लगा के पूछ के बताओ, नेक्स्ट वीक अभी सर पूछो, पूछ के बताओ क्या चल रहा है। दावे में तारीख कौन सी लगी है और किस बात के लिए दावा चल रहा है, आज की स्टेज क्या है, ये सबसे पहले बता रख देना। ये वाली फाइल बड़ा मत देना, पूछो अभी अभी बताओ, अभी 8 मिनट बचे हैं, 8 मिनट में तो अभी 5 मिनट में मेरे को बताओ, अभी अभी केस को डिस्पोज कर देते हैं। सर, नंबर 35, सर वो 24/6 को किसी इंटरव्यू एप्लीकेशन के लिए रखा है, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैं अभी 2:15 बता देता हूँ सर।
फोन नहीं उठाया फिर भी पता लग गया। सर मैं स्टेटस देखा 24/6, 24/6/2023 के लिए किसी चौबीस इंटरनेट, छह हाँ 2023 के लिए छह छह महीने की तारीख लगती है लॉर्डशिप, इसमें तो यही दिखा रहा है, मैं मोबाइल में देखा अभी स्टेटस। इसमें, स्टे चल रहा है यहां से? हाँ? नहीं यहाँ से स्टे नहीं है सर, यहाँ वहां से कुछ, यहाँ से कुछ नहीं आदेश हुआ, यहाँ से कोई आदेश नहीं हुआ अभी तक। वो वहां पे उन्होंने खारिज कर दिया था उसके कितने बाद। समय के लिए बढ़ा दें स्टे? दावा कब का है? सूट 15 का है ना, जी लिखना दिस मिसलेनियस पिटीशन हैज बीन प्रेफर्ड बाय प्लेंटिफ लॉर्डशिप, चैलेंजिंग द ऑर्डर डेटेड। बोलते जाओ। लॉर्डशिप 10/3/2021 का ऑर्डर हमें चैलेंज किया। 10/3/2021 पास बाय 7th सिविल जज क्लास 2 सपना, पास इन 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 सिविल सूट नंबर 177A 177A 2015 वेयर बाय लर्नेड कोर्ट बिलो हैज डिसमिस्ड द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 151 CPC डेटेड 27/1/2021 विद इन ब्रैकेट IA 1/21 फॉर एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन इश्यूड बाय ऑर्डर डेटेड 9/8/2016 विच वाज फॉर ए पीरियड ऑफ। बोलो, हमारे हेलो को आवाज नहीं आती क्या? विच वॉज फॉर ए पीरियड ऑफ, वर्ष हेतु हुआ था पीरियड ऑफ कहाँ लिखा है? एक वर्ष। ये आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया है कि 39 घंटों का, तकलीफ है आपको? ये जो ऑर्डर है पेज नंबर ये वाला ट्रायल कोर्ट का, ये कितने थर्टी पेज फाइव के लेता? थर्टी फाइव पे सर ये। अरे ये जो है फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, कुछ भी समझ में नहीं आता आपको। 1 ईयर विच वॉज लेटर ऑन एक्सटेंडेड बाय लर्नेड कोर्ट वाइड ऑर्डर डेटेड 20/9/2019 फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ। लर्नेड कोर्ट बिलो हैज अपॉन ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द राइवल कंटेंशन ऑफ द पार्टी इज इश्यूड ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन ऑन 9/8/2016 इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ फॉर्मो देयर फोर इट इज हियर बाय डायरेक्टेड दैट द ऑर्डर डेटेड 9/8/2016 शैल रिमेन इन ऑपरेशन फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम टूडे एंड इट इज फर्दर डायरेक्टेड दैट द ट्रायल कोर्ट शैल डिसाइड द सूट इटसेल्फ विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ द ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट टूडे इंटरिम एप्लीकेशन सो एंड सो दिस कोर्ट। अभी बताओ लंच के बाद कब क्या के लिए लगा है, किस बात के लिए लगा है बताओ। और किस